जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टेज पे, सबसे कॉमन, सबसे पहले तो प्रियांग से बात करना चाहूंगा. आप इंसेप्शन से जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ. फाइनली यू कम एंड सी योर प्रोजेक्ट जिसपे आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, लाइव आ गए. व्हाट इज दैट फीलिंग फॉर यू यार? अमेजिंग एक्चुअली. मतलब पता नहीं, व्हेन दे वर प्लेइंग, व्हेन सब चिल्ला रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी. बिकॉज आई रिमेंबर द जर्नी व्हेन शोभित, आवर फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, मेड मी मीट ध्रुव. एंड व्हेन ही नरेटेड मी द स्टोरी, आई लव्ड इट. एंड द रीजन आई लव्ड इट बिकॉज आई कुडंट फाइंड हु एक्चुअली द किलर इज, हु एक्चुअली द हिटमैन इज. ऐसे ये तो करना चाहिए. एंड दैट पैरेलली आई वाज टॉकिंग टू तुषार दैट टाइम. ही सेड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, आई वॉन्ट डू समथिंग दैट. एंड आई डोंट थिंक दैट टाइम ही हैड दैट प्लान्स टू लाइक अ प्रोड्यूस द फिल्म. व्हेन ही नरेटेड, ही सेड प्रियंक, कैन आई प्रोड्यूस इट ऑल्सो? आई सेड ऑफ कोर्स, दैट वुड बी अमेजिंग. एंड यू नो दैट्स द जर्नी. एंड देन ऑफ कोर्स एवरीबडी एल्स बिकेम पार्ट ऑफ इट. एन एच स्टूडियो हैज बिकम पार्ट ऑफ इट. Eventually we got Grisha on board, so of course then everybody came in. But what a beautiful journey, what how amazing the experience was. Bahut special thanks to of course Vimal, Sanjay, you know, they have been like mentors to us. Vimal Doshi from Balaji and Sanjay Dwivedi, special thanks to them. They are the sutradhars of this film. Yeah, actually these are the people who have really gave all of us the confidence to make the film. It's like always behind us, always telling us ki nahi karo, bahut achi script hai, please do it. Thank you sir. Baki Narendra ji aur Shreyan ji se main ye sawal puchna chahta hu ki what was your reason that you backed this project? Jaise Tushar sir ne bataya, Priyang ne bataya, what was your reason? Aapne kya socha tha? Abhi Hindi films ka ekdam different mausam chal raha hai aur ye ekdam different film hai. Or really, I'm feeling this film will be a big success for Madhulika. Sir, numerology में 9 बहुत lucky number होता है, तो 9th December को picture release हो रही है, so I'm sure. 9th December को Sian's का birthday है. वो, this calls for double celebration, sir. Girish जी मेरे बाजू में, Girish जी, ladies and gentlemen, Girish Johar. Sir, आपका क्या reason था? Because आजकल बहुत सारा चल रहा है picture में, कौन से में invest करे नहीं करे. What was your reason कि चलो मेरे को इस project को back करना ही है? First of all, when I spoke with Tushar, I got in touch with him and we spoke about this film. He we discussed about the project and he discussed about Dhruv and Priyank also. I heard the story. It was a fantastic film and वी ऑल नो कि अभी डिफरेंट सब कह रहे हैं करना है करना है करना है, एक्चुअली हो नहीं पा रहा है इन टर्म्स ऑफ इवन ऑन द बिग स्क्रीन. एंड दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी, सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट इट गो. एंड इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, आई कैन टेल यू दैट. वंडरफुल यार, देखो इतनी मेहनत लगी है, इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. एंड एज गिरीश जी सेड कि डिडंट वॉन्ट टू लेट द अपॉर्चुनिटी गो, सो आई एम जस्ट थ्रोइंग द फोरम ओपन टू एवरीबॉडी, ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स. अगर आप के कुछ सवाल हैं टू द कास्ट, टू द प्रोड्यूसर्स. आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट, एक्टर्स से बात कर लेते हैं, हम प्रोड्यूसर्स ना गलत नंबर्स फेंक देंगे तो आप हम आ जाते हैं नीचे. लेट्स डू द क्यू एंड ए विद ऑल द एक्टर्स प्लीज. चलिए एक फोटो अप हो जाए एंड फिर वी विल जस्ट लेट द कास्ट स्टे ऑन द स्टेज. जोरदार तालियां फॉर द मैरिज टीम लेडीज एंड जेंटलमैन.